हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम। Expect Harshal Patel to come into the side, or Karan Sharma, with Bas du Plessis under a slight injury clap. Riyan Farag is not playing, he's not even in the substitute, so he's not likely to play as an impact substitute. दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन और ग्लेन मैक्सवेल को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चिन्नास्वामी में आई डुप्लेसी मैक्सवेल की आंधी, सूखे पत्तों की तरह उड़ गया राजस्थान का गेंदबाजी क्रम। तो आखिरकार क्या कुछ हुआ राजस्थान और बेंगलुरु के बीच इस जबरदस्त महामुकाबले में, जहां राजस्थान की खौफनाक गेंदबाजी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने रचा नया इतिहास। कितने चौके छक्कों की झड़ी लगी इस छोटे से मैदान पर उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और फाफ डु प्लेसी में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर होम टीम बेंगलुरु या फिर कहें कोहली की पलटन के सामने राजस्थान के रजवाड़ों की चुनौती थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था उनके बीच का जबरदस्त घमासान देखने के लिए। इस मुकाबले में बेंगलुरु अपनी यूनिक ग्रीन जर्सी में उतरी थी, उनके इस अंदाज की तारीफ हुई, लेकिन जर्सी का बदलना बेंगलुरु की किस्मत बदल नहीं पाया। जहां राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर मेजबान कोहली की सेना को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। आपको बता दें, बेंगलुरु के लिए पारी की शुरुआत करने खुद किंग कोहली के साथ विस्फोटक बल्लेबाज डुप्लेसी की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों में से एक बार फिर उनके करोड़ों फैंस को खौफनाक शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन जब सामने ट्रेंट बोल्ट हो तब किंग कोहली भी भीगी बिल्ली बन जाते हैं, ये एक बार फिर साबित हुआ। जहां ट्रेंट बोल्ट ने अपने ही अंदाज में एक बार फिर विराट कोहली को पहली ही गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया। जी हाँ, आपको बता दें, जैसे ही ट्रेंट बोल्ट विराट के सामने आए, कुछ उसी पुराने चिरपरिचित अंदाज में बोल्ट की पहली ही गेंद पर विराट कोहली चारों खाने चित हो गए। उनकी घातक गेंद कोहली के पैड पर लगती है और अंपायर ने कोहली को पवेलियन जाने के लिए कह दिया और वो बिना खाता खोले ही बेंगलुरु का सबसे बड़ा बल्लेबाज अपना विकेट खो बैठा था। इसके बाद तो चिन्नास्वामी में मातम का माहौल बन गया था। वहीं विराट कोहली भी खुद अपनी असफलता पर इतने निराश थे कि उन्होंने इस पर रिव्यू लेना भी जरूरी नहीं समझा। पूरे मैदान में हर तरफ केवल निराशा थी। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए शहबाज अहमद, लेकिन दूसरे छोर से डुप्लेसी ने राजस्थान को उन पर हावी होने का मौका देना जरूरी नहीं समझा। दूसरे ही ओवर से उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया था और गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा को निशाना बनाते हुए डुप्लेसी ने एक के बाद एक दो खतरनाक चौके जड़कर अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए थे। पर राजस्थान तो आज कुछ और ही सोचकर उतरी थी। ट्रेंट बोल्ट की आंधी में बेंगलुरु का एक और बल्लेबाज शहबाज अहमद अपने घुटने टेक गया। बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में शहबाज यशस्वी जायसवाल को अपना विकेट कैच थमाकर पवेलियन गए। राजस्थान के फैंस की तो खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनकी टीम बेंगलुरु पर पूरी तरीके से दबाव बनाने को तैयार थी, पर बेंगलुरु इतनी आसानी से हार मानने वाली कहां थी। बिग शो ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही अपना खाता बोल्ट के खिलाफ खतरनाक चौका बटोर कर किया। तो ओवर की पांचवी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़कर राजस्थान की खुशियों को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। आपको बता दें, अब तक गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिला था, जहां राजस्थान बेंगलुरु पर हावी नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वहां से तो पूरे मैच का मोमेंटम ही पलटने लगा। एक बार फिर संदीप शर्मा को रिमांड पर लेते हुए डुप्लेसी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और उनके इस ओवर में लगातार दो गेंदों पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से दो ऐसे भयंकर छक्के ठोके जिसमें से एक बार तो गेंद स्टेडियम के बाहर जाने से बाल बाल बची थी। उनके इन अद्भुत छक्कों ने करोड़ों फैंस में एक बार फिर जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। वहीं पूरा स्टेडियम भी बेंगलुरु बेंगलुरु के नारों से गूंज उठा था और ये तो केवल शुरुआत थी। इतने में भी डुप्लेसी को चैन नहीं आया और ओवर की अंतिम गेंद पर चौका बटोर कर उन्होंने इस अब तक का सबसे महंगा ओवर बना डाला था। अचानक से मुकाबला राजस्थान की पकड़ से दूर जाने लगा था। ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर अपनी टीम के संकट मोचन बनने के लिए तैयार थे। जहां डुप्लेसी ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, तो ग्लेन मैक्सवेल भी ज्यादा पीछे नहीं रहे। पांचवें ओवर में उन्होंने अब तक के सबसे खूंखार गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को आड़े हाथों लिया
और एक के बाद एक दो चौके जड़कर उन्होंने बोल्ट के भी पसीने छुड़ा दिए। बेंगलुरु की पारी शुरुआती झटकों से उबर चुकी थी और तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में संजू ने अश्विन को गेंदबाजी के लिए बुलाया। उन्होंने सोचा था कि अश्विन अपने जाल में इन दोनों को फंसा लेंगे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के तूफान में अश्विन भी बच नहीं पाए। जहां मैक्सवेल ने अश्विन का स्वागत ही चौके से किया, तो फिर दो गेंदों के बाद ही मिडॉन के ऊपर से उन्हें 90 मीटर दूर फेंककर उन्होंने राजस्थान के तो पैरों तले जमीन खिसका दी थी। राजस्थान की बेहतरीन शुरुआत पर इन दोनों ने कुछ मिनटों में ही पानी फेर दिया था, जहां से इनका विकेट चटकाना अब राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती थी। 6 ओवरों के पावर प्ले में इन दोनों ने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। विकेट चटकाने के लिए गेंदबाज एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों उन्हें वापसी का एक भी मौका देने के लिए तैयार नहीं थे। देखते ही देखते इन दोनों ने 8 ओवरों में बेंगलुरु को 78 रनों तक पहुंचा दिया था और ये दोनों बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं के बाद भी बेंगलुरु के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़ी ही आसानी से बेंगलुरु को 200 रनों के पार ले जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेंगलुरु और राजस्थान में आज कौन सी टीम जीत हासिल करने वाली है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube।